जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज एक ऐसे महान संत हैं जिनका जीवन ही मानव कल्याण और समाज कल्याण को समर्पित रहा है। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब किसी सद्गुरु के सानिध्य में रहकर आपको जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान निकल आता है। ऐसे ही भक्तगणों को रामपाल महाराज की शरण में आकर अनुभव होता है, साथ ही मानव समाज के उत्थान के लिए अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। भक्ति मुक्त ट्रस्ट बरवाला हिसार के मार्गदर्शन में नामदान केंद्र भुरकाभाट में, जहां दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, भोजन भंडारा जैसे अनेक सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। सर, यहाँ अनेक तरह के जगत मतलब गुरु हुए हैं जो अनेक तरह की पंथ चलाए हैं और अपने क्या कहना चाहिए अपने रोजी रोटी चलाने के लिए तरह तरह के आडंबर कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज समाज सुधार और देश सुधार पे काम कर रहे हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज निश्चित ही आज समाज सुधार और देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति बता रहे हैं, जिससे उनके अनुयायियों में समस्त प्रकार की बुराइयां जैसे नशापान, दहेज प्रथा, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, चोरी आदि सभी को जड़ से समाप्त करने के लिए उनके अनुयायी संकल्पित हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो एक और विशेष बात है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं क्यों यार, माने सभी जाति और धर्म के लोग जो है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर अपना आत्मकल्याण करा रहे हैं। सर, अभी हम जहाँ खड़े हैं उसे नामदान केंद्र भुरकाभाट किला बालक पे के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे किस तरह की नामदान केंद्र है, तो किस तरह से नामदान दिया जाता है और समाज के लिए किस तरह का काम होता है? यहाँ पे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार पूरे इंडिया में 100 से अधिक नामदान केंद्र खुला हुआ है। छत्तीसगढ़ के नामदान केंद्र भुरकाभाट जिला बालोद छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे प्रत्येक रविवार को जो है सत्संग का आयोजन होता है, जहाँ पे श्रद्धालु आकर जो है सत्संग सुनते हैं और सत्य ज्ञान को समझकर नाम दीक्षा लेकर अपना आत्मकल्याण कराते हैं। समाज सुधार के लिए क्या यहाँ पे दहेज मुक्त शादी होता है सर? यहाँ पे समाज सुधार के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह होना, समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन होना एवं सत्संग के माध्यम से जो है समाज में व्याप्त कुराई जैसे नशापान आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। संत रामपाल जी महाराज के समस्त अनुयायी नशा से कोसों दूर हैं, इस प्रकार से समाज सुधार में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। मोर नाम वासुदेव दास, ग्राम कोंदाबुड़ी, पोस्ट नेट गांव और थाना मानपुर, जिला राजनांदगांव, स्टेट छत्तीसगढ़ में है। संत रामपाल जी गुरु महाराज के टीवी में, मोबाइलों में सत्संग और टीवी में 740 से साधना चैनल पर 740 से 840 तक देखे और लास्ट में जो भी भक्त आत्मा अपन बारे में पूरा बताते कि मोशन कुछ भी ऋषि कैंसर बड़े बड़े बीमारी बड़े बड़े वो सब ठीक हो जाते। और ये दुनिया में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं और अब यहाँ टीवी देखे चैनल में और मैं यहाँ आश्रम में आके आज दीक्षा ले हूँ और गुरु संत रामपाल जी महाराज है मतलब ये दुनिया में आए है और मोक्ष प्रदान करे बरा है, एकर सिवाय ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में आए हुए है भक्तों और कोई नहीं है दुनिया में। मंजूषा साहू, ग्राम कुंदाबुई, पोस्ट नेरगांव, थाना मानपुर, जिला नादगांव, छत्तीसगढ़। रामपाल महाराज के सत्संग टीवी में, मोबाइल में देख के मोल ऐसे हुई थे जम ऊंचे जम बहुत सूजी पानी लगाए पैगा बुनिया दिखाए तेरे खूब असर निकल दो तीन बाल ले बहुत तकलीफ
संत रामपाल महाराज की मोर माँ पापा मन जा की बड़े भैया मामा ना घलो आकी तमें यहाँ आए तमें यहाँ आके थोड़ा सा खाना खाए मैं खाना 2 महीना से नहीं खाई आज आखिर बहुत रेंगे हूँ रेंगे नहीं सकत रही उठ के लेटरिन बाथरूम जा नहीं सकत रही उस दम पाल महाराज की दुनिया में मरते दम तक एक नहीं छोड़ सकते। खिलवान चंद्राकर की रिपोर्ट।